इंटेलिजेंस बोर्ड सारे लोग लगे हुए हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा, सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रहा। जब उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा ना कि शी वाज नॉट हियर, वी हैव टू गो, नहीं मैं बस बता रहा हूँ, वी हैव कॉल्ड एनडीआरएफ नाउ, वी शुड हैव कॉल्ड इट इन द नाइट इटसेल्फ। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। आपने खुद भी देखा है कि पानी यमुना का आईटीयू की तरफ जा रहा है, ये गेट नंबर 12 जो है यहाँ का, उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है उससे इम्बैकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिटी के अंदर पानी ना जाए। निवेदन है छोटा सा, सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूंगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और का टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। एनडीआरएफ की बजाय आईएफसी एंड आर्मी वुड बी मोर इफेक्टिव। मतलब किसी को बुलाना चाहिए, आईएफसी थी पूरी रात, कोई आईएएस अधिकारी नहीं था रात को यहाँ पे एक भी। अब तो आ गए हैं सारे, नहीं नोबडी वाज़ हियर, आई वाज़ हियर। जब उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा ना कि शी इज हियर, शी वाज़ नॉट हियर, वी हैव टू गो, नहीं मैं बस बता रहा हूँ, वी हैव कॉल्ड एनडीआरएफ नाउ, वी शुड हैव कॉल्ड इट इन द नाइट इटसेल्फ। मॉर्निंग में मैंने फोन कर दिया था एनडीआरएफ एंड आर्मी को एंड इमीडिएटली नहीं, पर इनकी वैसे बात हुई थी रात को एनडीआरएफ से। आपने बात करके ही तो बताया था मुझे कि they are not suited for this task, that it is their task is evacuation and rescue.